हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक अपेक्स। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि एक ऐसा लॉन्चर जिसका नाम पोको लॉन्चर, ठीक है। और आप उसे अपने फोन में डाउनलोड करके अपने फोन का ऐप साइज इंक्रीज भी कर सकते हो और अपने फोन का जो ऐप साइज है उसे छोटा भी कर सकते हो, उसे स्मॉल भी कर सकते हो और अपने फोन में फीचर्स भी बढ़ा सकते हो। तो मान लीजिए आपका कोई भी नॉर्मल फोन है, रेडमी नोकिया वगैरह कुछ भी फोन है, उसका ऐप साइज आपको छोटा या बड़ा करना है तो आप उसे आसानी से कर सकते हो एक लॉन्चर डाउनलोड करके। और उसका मतलब काफ़ी सारे फीचर बढ़ जाएंगे आपको फोन, ऐसा रहेगा कि लाइक मतलब न्यू फोन है और उसमें फीचर बढ़ जाएंगे और आपका ऐप साइज भी छोटा बड़ा हो जाएगा और आपके फोन का जो बैकग्राउंड है वो भी डार्क या लाइट हो जाएगा। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली, वीडियो लास्ट तक देखिए। चैनल पर पहले विजिट करें, चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास जो Realme का 3i का वर्जन है ये। अब इसके ऐप साइज पहले वाला जो फ़ोन में सेट था वही ऐप साइज सेट है, लेकिन मैं आपको जो मैं लॉन्चर बताया उसका नाम पोको लॉन्चर। सबसे पहले आप जाइए प्ले स्टोर पर, यहाँ पर आप सर्च कीजिए पोको लॉन्चर, ठीक है। यहाँ पर आप टाइप कर दीजिए पोको लॉन्चर। जैसे मैं टाइप करूँगा तो मिसाल में कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, मैं आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए। आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने इसे इंस्टॉल कर रखा है, वो कर रहा हूँ। हमारे ये थोड़ा टाइम लेगा इंस्टॉल होने में, तो मैं यहाँ पर थोड़ा अपना टाइम यहाँ पर दे देता हूँ। मैं सारा कुछ आपको बताऊंगा, तो वीडियो बिल्कुल स्किप मत कीजिए, आप इसे इंस्टॉल करके मतलब ओपन कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ पहले। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा इंस्टॉल ये होने वाला है। आप देख सकते हो कि हमारा ये इंस्टॉल मतलब होने ही वाला है, हमारा इंस्टॉलिंग अब होने लगी है। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर हमारी इस ऐप की इंस्टॉलिंग हो रही है। अब हमारा इंस्टॉल होने लगा है तो हमें इसे ओपन कर लेंगे, ठीक है। जैसे ही मैं इसे ओपन करूँगा तो मेरे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। मैं इसे अप्लाई कर दूंगा, यहाँ पर इसे आप एग्री कर दीजिए और इसे अलाउ आप कर दीजिए, ठीक है। जैसे ही आप इसे अलाउ करेंगे तो आपको यहाँ पर पोको लॉन्चर को ओके कर देना है। यहाँ पर पोको लॉन्चर आपको सेट कर देना है, पहले आपका होगा जो लॉन्चर सिस्टम को वो आपको सेट होगा। अब आपको यहाँ पर देख सकते हो ऐसे आप गोइट कर दीजिए और एग्री कर दीजिए जिसके ज़्यादा सारे टर्म्स हैं जो, ठीक है। अब मैं यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि जो मेरे सारे ऐप हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं और उनकी सारी जो ऐप जो भी मतलब उसका है कैटेगरी का सब ऐप यहाँ से मेरे आ चुके हैं। आप यहाँ देख सकते हो मैं यहाँ पर ऐसे मतलब बैक करूँगा, यहाँ पर आप ऐप को सर्च भी कर सकते हैं। ये देखिए जैसे कि मेरा ये ऐप ये सारे मेरे ऐप कम्युनिकेशन तो ये अलग मतलब उसमें आ गए टूल्स में, एंटरटेनमेंट के ऐप अलग आ गए, टूल्स के ऐप अलग आ गए, गेम्स अलग आ गया। तो ऐसे ही आप मतलब इसका सारा ऐप अलग ला सकते हैं। अब मैं इसकी थोड़ी सी सेटिंग और समझा दूँ आपको। यहाँ पर पोको सेटिंग आपको मिल जाएगी, आप इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको मिल जाएगी सिस्टम सेटिंग, बैक कीजिए यहाँ पर, यहाँ पर आपको बैकग्राउंड का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर इसका दो बैकग्राउंड में, एक डार्क और एक लाइट, तो आप इसे डार्क और लाइट पर कर सकती है। यहाँ पर इसका मतलब वो भी मिलेगा कि आप कितना डार्क और कितना लाइट यहाँ पर कर सकते हैं, आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डार्क कर देता हूँ, अभी बैकग्राउंड हमारा डार्क यहाँ से हो चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हो। मैं थोड़ा और आपको फीचर्स के बारे में बता दूँ कि मैं यहाँ पर इसे ऐसे करूँगा। यहाँ पर देख सकते हो मेरे यहाँ पर फीचर बढ़ चुके हैं, कम्युनिकेशन वगैरह यहाँ पर सब ऐप अपने जो वैसे आता है सब अलग आ गए। तो बैकग्राउंड मैंने समझाई दिया, अब आपको आइकन पैक यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर आप आइकन पैक भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पर आइकन मतलब ऐप को जोड़ सकते हो। यहाँ पर कस्टमाइज लेआउट का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर अपने अनुसार छोटा बड़ा इसे ऐप को कर सकते हो। जैसे मैं आप यहाँ देख सकते हो कि ऐप यहाँ पर एक्सएल पे वर्क किया तो ये इंक्रीज हो गया। अब मैं यहाँ पर एक्स एस पे करूँगा तो ये सबसे छोटा हो जाएगा, स्मॉल करूँगा तो स्मॉल पे हो जाएगा। अपने हिसाब से मीडियम मारा यहाँ से लार्ज, जैसे मैंने कीजिए एक्सएल पे मतलब फुल साइज मुझे अप्लाई कर दूंगा तो मेरे एक्सेल पे सारे ऐप ये हो गए। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने कहा था कि आप इसे बड़े हो छोटे आप अपने अनुसार कर सकते हो। अब मैं फिर से जाऊँगा पोको सेटिंग में, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐप ड्रॉयर होम स्क्रीन, और कुछ ज़्यादा इसकी खास सेटिंग है नहीं है। यहाँ पर आप जो वो लेआउट भी
मैंने कहा था आप जो ऐप के मतलब यहाँ 5 आ रही है लाइन में, आप इसे 4 भी कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो, बस आपको जो करना है अप्लाई कर दीजिए। तो मैं इसे अप्लाई करके अभी बता देता हूँ आपको। मैंने इसे 3 पे किया, मैं इसे अप्लाई कर दूंगा। तो मैं सारे ऐप ये 3 लाइन में आ चुके हैं, ठीक है। अब मैं बताऊँगा आपको इसे हटाना कैसे। अगर आप उसे हटाना चाहते हैं तो आप एमआई के फोन में वही ऑप्शन मिलेगा होम स्क्रीन या फिर होम लॉन्चर, उस पर जाइए और आप यहाँ से सिस्टम जो लॉन्चर है उसे मतलब सिलेक्ट कर लीजिए, या फिर उसे डायरेक्ट पोको लॉन्चर पे आप उसे कर दीजिए डिलीट, वो ऑटोमेटिक हट जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, जय हिंद।